दोस्तों आप पूछते हैं कि यार BCAA को यूज करने का बेस्ट टाइम क्या है, कब लें इसे, क्यों लें इसे, क्या काम करता है ये। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स खरीदते टाइम के काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ रहे हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन को लेकर जो कि होता है BCAA के बारे में। दोस्तों आप पूछते हैं कि यार BCAA को यूज करने का बेस्ट टाइम क्या है, कब लें इसे, क्यों लें इसे, क्या काम करता है ये। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए मैं कहूंगा कि मोस्ट पॉपुलर BCAA रख लिए हैं, जैसे एक्सटेंड का हो गया जो कि वर्ल्ड का नंबर वन BCAA कहा जाता है, आपका इंटरनेशनल प्रोटीन वालों का हो गया, और अल्टीमेट न्यूट्रिशन का जिसे मोस्ट बजटरी BCAA कहते हैं। तो दोस्तों ये BCAA सप्लीमेंट है, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी काम की रहने वाली है, आपको BCAA के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, बेसिक सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार BCAA आखिर होता क्या है। दोस्तों BCAA की फुल फॉर्म होती है ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जिसमें आपके तीन एमिनो आते हैं, ल्यूसीन, वैलीन और आइसोल्यूसीन, और तीनों ही एसेंशियल एमिनोज होते हैं। एसेंशियल एमिनोज का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, चाहे फूड से लें चाहे सप्लीमेंट से लें, तो वो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसमें BCAA है। और दोस्तों ऐसा जो है स्टडीज़ में पाया गया है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो BCAA हैं, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसीन, ये मसल्स की सबसे फास्ट रिकवरी करते हैं। तो इसीलिए जो है इनका यूज़ मेजरली किया जाता है, आपके जो सप्लीमेंटेशंस हो गए, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कहते हैं कि इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, मसल्स रिपेयर होंगी, उसमें जो है अक्सर आपको BCAA मिल जाएंगे। और दोस्तों मोस्टली आपको मिलेगा ल्यूसीन। दोस्तों यहाँ पर जो है BCAA सप्लीमेंट, आप पूछते हैं इसके बारे में कि क्या ये अलग से लेना जरूरी होता है, क्या प्रोटीन्स में नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो नो डाउट उसमें भी BCAA होता है, क्वांटिटी का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि उसमें क्वांटिटी कितनी है। और अलग से BCAA क्यों लेना चाहिए, दोस्तों देखिए अगर आप इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, अगर आपका गोल है लीनिंग कटिंग, या आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि आपको एनर्जी के साथ साथ मसल्स को भी रिपेयर करे, तो BCAA इसलिए आपको अलग से लेना चाहिए। काफ़ी जो है लोग होते हैं जो कि वर्कआउट जिनका काफ़ी लंबा चलता है, दो दो ढाई घंटे का वर्कआउट चलता है, तो उसके लिए जो है BCAA एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यार BCAA लेने का बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि BCAA लेने का जो है कोई स्पेसिफिक बेस्ट टाइम नहीं है, पर दोस्तों नो डाउट अगर आप BCAA को यूज करना चाहते हैं तो इसका प्री में लेने का, तो मतलब एक्सरसाइज से पहले लेने का, तो मेरे हिसाब से कोई इतना मेजर यूज नहीं है। और आप इसे लीजिए या तो इंट्रा वर्कआउट, मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट, ताकि आपको एनर्जी भी मिले और आपकी मसल्स भी रिपेयर हो सकें, या फिर आप इसको बिल्कुल ही पोस्ट वर्कआउट लीजिए। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन है इंट्रा वर्कआउट का, अगर आपका लंबा वर्कआउट है, अगर आप दो दो ढाई ढाई घंटे वर्कआउट करते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट है, लीनिंग कटिंग का गोल है आपका, तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप इसे लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। या फिर आप इसे लीजिए पोस्ट वर्कआउट की, हाँ भाई मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, अब मेरे को एनर्जी भी चाहिए और मसल्स भी रिपेयर हो जाए, तो आप इसे ले लीजिए, आपको कंप्लीट रिकवरी प्रोवाइड कराएगा। तो मेरे हिसाब से इंट्रा और पोस्ट जो है बेस्ट हैं, बाकी प्री में लेने का मेरे हिसाब से इतना कोई जो है ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो इस हिसाब से आप इसे यूज कीजिए। और इंट्रा वर्कआउट अगर आप लेते हैं तो आप इसको जो है अपने पूरे वर्कआउट सेशन के दौरान जो है लेते रहें, मतलब पूरा इसे चलाएं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आ सकें। और दोस्तों BCAA जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास जो है एक्सटेंड है गया, आपके पास इंटरनेशनल प्रोटीन है गया, मसल फार्म आता है, अल्टीमेट आता है, BSN आता है, और दोस्तों सारे मिलेंगे आपको सप्लीमेंट्स विला पर 100% ओरिजिनल विद GST बिल, करंट प्रोडक्ट फ्रेश लॉट के साथ। तो आप जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये BCAA के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। और हाँ, आप बार बार एक और चीज पूछते हैं कि इसे मेल फीमेल कौन ले सकता है, तो भैया इसे कोई भी ले सकता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सप्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मेल्स के लिए बनाए जाते हैं या फीमेल्स के लिए बनाए जाते हैं, सभी के लिए बनाए जाते हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप इसे लीजिए और लाभ उठाइए, और कोई भी BCAA ओरिजिनल चाहिए तो सप्लीमेंट्स वाला पर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।